शरद जी देखिए किस तरीके से हमने देखा कि अखिलेश यादव एग्जिट पोल को लेकर कह रहे हैं और ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हो सकती है, डीएम लगातार हमें खबरें दे रहे हैं। उनके भी अधिकारी हैं, आप सोचते हैं कि आपके हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ये चीज जब चुनाव घोषित हुआ था तभी से वो तैयारी कर रहे हैं हार की। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ऑनलाइन जो चुनाव है उसमें हम लोगों को नुकसान हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास ऑनलाइन की तैयारी नहीं है। फिर उसके बाद बरेली में इनके जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन हमारा साथ देगा तो हम जीत सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और आज तो उन्होंने पूरे शक और शुबा का पूरा पिटारा खोल दिया। उनकी सब बैलेट बॉक्स नहीं, लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, बचाना लोकतंत्र, ईमानदार लोग आ गया है। आज हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए, अपने अपने बूता सबने लगाया, हर पार्टी ने अपना जोर लगाया, कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया। अब हम लोगों को गंभीरता से और विनम्रता से जनता के आदेश का इंतजार करना चाहिए। बरेली लखनऊ को लेकर कहा है कि शिकायतें आ रही हैं, ये बौखलाहट है बीजेपी की, जो अब गृह सचिव का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रमुख सचिव का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रमुख सचिव से ऊपर कौन है, बैलेट पेपर मिल रहे हैं, ये तो लेकिन चिंता तो होती है ना, तो आपको भी लेना चाहिए। ये तो पहले इनको, ये तो खुद मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे भारत के, इनको मालूम है कि प्रशासन क्या कर सकता है चुनाव घोषित होने के बाद। चुनाव घोषित होने के बाद सारा प्रशासन ये वापस ये पश्चिमी चुनाव आयोग के पास जाता है। किसी सरकार की कोई ताकत नहीं रहती जब तक चुनाव। एक कमेंट आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कि आपका परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, हम प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं और परसों अभूतपूर्व रिजल्ट की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जनता के आदेश का हम लोग गंभीरता से विनम्रता से इंतजार कर रहे हैं। विजय अनर्गल बातें अभी से शुरू कर दो आप।